हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। और बहुत दिनों के बाद मैं अपना वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि यूट्यूब में बहुत दिनों के बाद मैं एक्चुअली आया हूँ। एंड आई वाज अ बिट बिजी इन दीज डेज, क्योंकि कोविड का टाइम भी था एंड एंड अदर डिफरेंट थिंग्स भी, मतलब देखना पड़ता है एंड ऑल। तो बहुत दिनों के बाद ज़्यादा कुछ टाइम बर्बाद ना करके शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है मैं अपना जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बिफोर दैट लेट मी अगेन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर आतिश कुमार पांडे, प्रैक्टिसिंग इन ओडिशा इन सुंदरगढ़ स्पेसिफिकली फ्रॉम द लास्ट 2.5 ईयर्स। एंड आई हैड डन माई ग्रेजुएशन, दैट इज BDS फ्रॉम हाईटेक डेंटल कॉलेज एंड भुवनेश्वर, फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी इन भुवनेश्वर। एंड उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किया है डॉक्टर सुनील करो उनके यहाँ प्रैक्टिस किया है, जो कि प्रोस्टोरोन्टिस्ट हैं, पहले प्रोफेसर भी रह चुके हैं हाईटेक डेंटल कॉलेज में। एंड ही इज़ माई मेंटर, ही इज़ माई गुरु। एंड उसके बाद मैंने उनके सजेशन के बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था। उससे पहले मैं रेढ़ाकोल बोल के एक शहर में था, जहाँ की मैं अराउंड 4 to 5 months के लिए मैंने प्रैक्टिस किया था अपने दोस्त के यहाँ। देन आई केम टू माई होम टाउन एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग हियर। सो फर्स्ट माई क्लिनिक, द प्रेजेंट सीनेरियो व्हाट यू आर लुकिंग दिस ऑल प्लेस इज द न्यू क्लिनिक ऑफ माइंड, एक्चुअली द ओल्ड क्लिनिक, जहाँ पर मैं अपनी वीडियोस बना रहा था, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स को भी पता होगा। तो दैट वाज अ वेरी इंटीरियर प्लेस, सो आई हैड फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर। स्टिल आई कंसंट्रेटेड ऑन माय स्किल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन व्हाट द एसेंशियल्स आई नीडेड टू बी, द वीकनेस पॉइंट्स आई नीडेड टू वर्क ऑन, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। एंड उसके बाद मैंने अपने ऊपर काम शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी इस इंडस्ट्री से, एंड उसके बाद इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि आई हैड बिल्ड अ न्यू क्लिनिक फॉर माइंड। एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू शेयर माई जर्नी टिल नाउ। व्हेन आई स्टार्टेड माई क्लिनिक इन सितंबर 11, 2019, सो व्हेन आई स्टार्टेड द क्लिनिक देन आई हैड फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जस्ट लाइक द पेशेंट फ्लो वॉज लेस। सो वो बोलते हैं ना कि जैसे कि मतलब कि आप नए होते हैं तो इट टेक्स टाइम, मतलब हर किसी को टाइम लगता है सेटल होने में, एंड मुझे भी वही लगा था, कोई मेरे को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। किसी भी बडिंग डेंटिस्ट को मैं ये सजेशन दूंगा कि आप पहले से मत समझिए कि आपको पहले ही दिन से पेशेंट आने लगेंगे। मैं भी किसी को 1 साल लगता है, किसी को 1.5 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 5 साल भी लगेगा, बट यू विल हैव टू कीप दैट पेशेंस विथ यू। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू एड ऑन विथ दैट इज, आप अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। जैसे कि आपका अगर एंडो अच्छा होता है, आपके रूट कैनाल अच्छे होते हैं, तो आप एंडो के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका सर्जिकल वर्क अच्छा होता है, माइनर सर्जरीज, इंफेक्शंस एंड ऑल आप अच्छे करते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका ऑर्थो का काम अच्छा होता है, तो आप ऑर्थो के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप पीडो भी अच्छे करते हैं, मतलब पेडियाट्रिक पेशेंट्स भी अच्छे से संभाल सकते हैं, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप अगर इम्प्लांट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आप दे मतलब ज़्यादा ध्यान दीजिए। बिकॉज आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस इंडस्ट्री में जब से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बताया जाता है कि वी शुड हैव अ प्रैक्टिस ऑफ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, बट प्रेजेंट सिनेरियो स्पीक्स अस दैट, क्योंकि हमको सब काम करनी नहीं है। अगर हम सब काम करने लगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनेज ऑल्सो। सो हमको बस एक स्पेसिफिक फील्ड में अपने आप को मास्टरी करनी है, चाहे वो जो भी हो, चाहे रूट कैनाल हो, चाहे वो आपका जो इम्प्लांट हो, प्रोस्थेसिस हो, या फिर आपका मैक्सिलोफेसियल सर्जरी का सर्जरीज हो, या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो, या फिर आपका कोई भी ब्रांच हो जो कि इसमें है, एंड हेयर ट्रांसप्लांट भी आप कर सकते हैं अगर आप सीख सकते हैं तो, एंड यू आर पैशनेट अबाउट दैट, तो यू कैन स्टार्ट हेयर ट्रांसप्लांट ऑल्सो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं। बट सिर्फ स्किल्स डेवलप करने से नहीं होती हैं, उसके लिए आपको एक सिस्टम में अपने आप को प्लग इन करना पड़ेगा। जो सिस्टम में अपने आप को जब आप प्लग इन करोगे, तभी जाके आपका रनिंग क्लिनिक होगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम वही है कि आपको मतलब कि अपने आप के जैसे, मतलब कि आपको अपने असिस्टेंट्स को वो काम थोड़ा बहुत सिखाना पड़ेगा, जैसे कि पेशेंट मैनेजमेंट, पेशेंट कोई आए तो उसको क्या बोलेंगे, उसके साथ कैसे डील करेंगे, प्रॉपर फॉलोअप एंड ऑल, ये सब आपको मतलब कि सिखाना पड़ेगा। एंड जो केसेस आपको नहीं आती है, उसके लिए आप कंसल्टेंट बेशक बुला सकते हो। अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हो तो ऑब्वियसली आप खुद कर सकते हैं,
अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो बेशक आप अपने लिए उस पेशेंट के लिए आप बुला सकते हैं, एंड एंड यू कैन मेक गुड कम्युनिकेशन विथ बोथ द पेशेंट एज वेल एज योर कंसल्टेंट। आप उनसे सीख भी सकते हैं। एंड अगर आप मान लो कि अगर अपने कंसल्टेंट के पीछे अगर इन केस आप 10,000 भी खर्च कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट अ नॉलेज ऑफ 1 लाख रुपीज़। सो कभी इन्वेस्ट करने से कभी घबराइए मत, क्योंकि जितना आप इन्वेस्ट करते हैं नॉलेज में उतना ज़्यादा आपको रिटर्न आती है एट द एंड ऑफ द डे। एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड विथ अ कॉन्सेप्ट दैट दो कॉन्सेप्ट रहती हैं एक्चुअली किसी भी आपके जो मतलब कि डेंटिस्ट्री हो या किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में, कि आपका एक रेड सी कॉन्सेप्ट होता है, एक ब्लू सी कॉन्सेप्ट होता है। रेड सी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लीजिए कि अभी मेरे यही 1 किलोमीटर के अंदर ही अगर मेरा यहाँ 4 से 5 क्लिनिक्स है तो दैट इज अ रेड सी कॉन्सेप्ट। जैसे कि मतलब कि रेड सी में जैसे कि आपके मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत पास में होते हैं एंड ऑल, मतलब कि वो मतलब कि पैक्ड होते हैं तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है। बट उससे एक बेनिफिट क्या होता है या एडवांटेज क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना वो आपके शहर में, तो उनको पता चल जाता है। मान लीजिए कि अभी मैं अगर बात करूँ भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर में जब मैं था तो मतलब कि जब वहाँ का शहीद नगर अगर किसी को भी बोल दिया जाए तो शहीद नगर में मैक्सिमम ऑफ द डेंटल क्लिनिक सर दे, तो लोगों का माइंड ऑटोमेटिकली जाता है कि शहीद नगर में ज़्यादा क्लिनिक्स हैं बोल के। अभी तो बात सीनरी अलग हो चुका है बट वही होता है। बट और एक चीज़ है कि ब्लू सी कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपका जो ब्लू सी कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप मान लीजिए एक सब अर्बन एरिया में अगर क्लिनिक खोलते हैं अपने, तो सब अर्बन एरिया में आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है बट यू विल बी द रूलर ऑफ दैट प्लेस, क्योंकि वहाँ कोई है नहीं। आपको टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपको सेटल होने में, पर उसके बाद भी आपको मतलब कि कोई हराने वाला वहाँ आ नहीं सकता फॉर ए बिग टाइम। सो दोनों कॉन्सेप्ट को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि डिपेंड्स ऑन द प्लेस एज वेल एज द पर्सन हु इज डूइंग दिस थिंग, क्योंकि अभी डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। आप अगर बड़े शहर में रहते हैं तो यू कैन ऑप्ट टू अ सबर्बन प्लेस, क्योंकि बड़े शहरों में थोड़ा मतलब कि सिक्योरिटीज एंड आपका भाड़ा एंड जो रेंट होता है उस चीज के ऊपर थोड़ा बहुत एक्चुअली गौर करना डिफिकल्ट होता है। बट जो मान लीजिए थोड़ा सबर्बन एरियाज में है तो वो तो ऑलरेडी मतलब कि क्योंकि देयर पेशेंट फ्लो इज गुड एक्चुअली इन सब अर्बन एरियाज। बट उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इन माई नेक्स्ट वीडियो, द डिफरेंस बिटवीन द पेशेंट्स इन बिग सिटीज एंड द पेशेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द पेशेंट्स इन बिग सिटीज एंड दैट ऑफ द सब अर्बन एरियाज एंड दैट ऑफ विलेजेस। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हो सके तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर सम डेज। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।